टेंस आज फिर लेकर आए हो प्रेपोजिशन। हम अपने पहले पीरियड में प्रेपोजिशन के बारे में पढ़ चुके हैं, आज से आगे का भाग चलेगा। प्रेपोजिशन सबसे पहले ये समझेंगे प्रेपोजिशन होती क्या है। तो प्रेपोजिशन इज ए वर्ड विच शोज रिलेशन बिटवीन ए नाउन और ए वर्ड इन ए सेंटेंसेस। प्रेपोजिशन इंक्लूड टाइम, प्लेस ऑफ प्रेपोजिशन, डायरेक्शन एंड मूवमेंट, अर्जेंसी, पर्पज और रीजन। अपने पहले वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया था टाइम, प्रपोजिशन ऑफ टाइम और प्रपोजिशन ऑफ प्लेस एंड पोजिशन। टूडे वी विल लर्न अबाउट प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन एंड मूवमेंट। अब प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन मूवमेंट में जो जनरली वर्ड यूज होते हैं प्रपोजिशन के लिए, ओवर, अंडर, अबव, बिलो, इन टू, इन टू, ये वर्ड जनरली यूज करते हैं। कुछ सेंटेंस के माध्यम से इनको समझेंगे। जैसे पहला सेंटेंस है हमारा, इट इज टाइम डैश गो टू, पहले इसे हिंदी बना लीजिए, इट इज टाइम डैश गो टू, यह जाने का समय हो गया है। तो यहाँ हम टू यूज करेंगे, इट इज टाइम टू गो टू। अब आगे आ गया, द ट्रेन इज गोइंग डैश द टनल, समझिए हिंदी, द ट्रेन इज गोइंग डैश द टनल, ट्रेन जो है वो सुरंग में से होकर जा रही है। तो में से यानी इन टू, द ट्रेन इज गोइंग इन टू द टनल, क्लियर। अब आगे आते हैं, वी आर गोइंग डैश द ब्रिज, अब हम लोग पुल के ऊपर से जा रहे हैं या नीचे से भी हम इसको लिख सकते हैं जनरली, तो वी आर गोइंग ओवर द ब्रिज। ओवर यानी किसी भी चीज के ऊपर, तो ओवर द ब्रिज। फिश रेयरली स्विम द वाटर सरफेस, हिंदी बनाए, फिश रेयरली स्विम द वाटर सरफेस, मछलियां पानी की सतह के ऊपर नहीं तैरती हैं। तो ऊपर का मतलब ये वो टच होके नहीं तैरते, तो हम यहां इसका अबव यूज करेंगे, ओवर यूज नहीं करेंगे, क्योंकि यदि हम ओवर यूज करेंगे तो वाटर यहां आ गया है, ओवर यहां, तो ये तो गलत हो जाएगा। यहां टच होके जो चलेगा वो हमारा अबव आ जाएगा, ठीक है। आगे, देयर वाज अ बिग पेंटिंग डैश हिज पिक्चर ऑन द वॉल, हिंदी समझने की कोशिश करेंगे कि दीवार पर एक बड़ी सी पेंटिंग है, उसकी पिक्चर के ऊपर या नीचे कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो हम यहां नीचे करते हैं, बिलो, बिलो हिज पिक्चर ऑन द वॉल, यहां पे हम अबव भी यूज कर सकते हैं, ऊपर है या नीचे है दोनों में। द सन इज डैश अवर हेड टू एट मून, दोपहर में सूरज कहां होता है, हमारे सर के बिल्कुल ऊपर होता है, तो अबव रखेंगे तो यहां हो जाएगा, यहां तो नहीं है, बहुत ऊपर है, तो ओवर, द सन इज ओवर अवर हेड एट नून। द लिटिल बॉय हाइड हिमसेल्फ ए टेबल, अब देखिए यहां बिलो लगने भी नीचे है, अंडर भी है, लेकिन यहां बिलो नहीं आएगा, अंडर आएगा, रीजन मैं आपको अभी बताता हूं, अंडर ए टेबल, बच्चे ने अपने आप को मेज के नीचे छुपा लिया है। बिलो का मतलब वही है कि टेबल के जस्ट नीचे आ गया है, और अंडर नीचे, टेबल कितनी भी ऊंची हो सकती है, इसको समझेंगे। मेरे ख्याल से प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। चलिए अब प्रीपोजिशन ऑफ एजेंसी की तरफ चलते हैं। एजेंसी, दिस प्रीपोजिशन एक्सप्रेस द कैजुअल रिलेशनशिप बिटवीन द नाउन एंड द एक्शन और मैनर ऑफ एन एक्शन। जनरली वर्ड यूज होते हैं बाई, विद, विदाउट। Take some examples. He has completed his journey. Any problem? तो उसने अपनी जर्नी यात्रा कंप्लीट कर ली कैसे? Without any problem. तो यहां without बन देंगे. Without any problem. तो यहां पर जर्नी को और प्रॉब्लम को हमने रिलेट किया है, कैजुअल रिलेशनशिप शो की है। आई कैन राइट बेटर माई ओन पेन, मैं अपने पेन से ज्यादा अच्छा लिख सकता हूं, तो विद माई ओन पेन, यहां विद आ जाएगा। आई ओपन द लॉक डैश की, भाई लॉक किससे खोला जाता है, की से खोला जाता है, तो विद, विद अ की। द वर्क इज डन डैश राम, काम किसके द्वारा किया गया, राम के द्वारा, और यहां क्या देखा था, बाई राम। वर्क में और राम में रिलेशन शो हुआ है, यहां पर लॉक में और की में हुआ है। तो जब हम रिलेशन क्रिएट करते हैं, रिलेशन शो होता है, तो वहां प्रीपोजिशन ऑफ एजेंसी यूज होता है। आई विल पोस्ट योर लेटर प्लेजर, भाई मैं तुम्हारा लेटर पोस्ट कर दूंगा प्लेजर, खुशी से, तो विद प्लेजर, यानी मुझे तो आपका लेटर पोस्ट करना कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत नहीं है खुशी के साथ, तो विद आ जाएगा। द एसे वाज रिटन बाय मी, ऑफ कोर्स यहां बाय आ जाएगा, बाय मी। ही ड्रोव द मंकीज ऑफ डैश ए स्टिक, उसने बंदरों को भगा दिया किससे, एक छड़ी के साथ, तो यहां भी हम विद यूज करेंगे। तो प्रपोजिशन ऑफ एजेंसी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे चलेंगे प्रपोजिशन ऑफ पर्पज और रीजन। दिस पार्ट ऑफ प्रपोजिशन पर्पज और रीजन, एज इट्स नेम शोज, दिस प्रपोजिशन शोज एनी रिलेशन और पर्पज इन द सेंटेंसेस, एज यू सफर
डैश योर ओन एक्शन, इसमें ट्रांसलेट इट इन हिंदी, तुम परेशान हो अपने ही कर्मों से, तो बिकॉज ऑफ हम यहाँ पर फिल कर देंगे, यू सफर बिकॉज ऑफ योर ओन एक्शंस। रचना परचेज ए नैप टाई डैश हर ब्रदर, रचना ने अपने भाई के लिए एक नैप टाई खरीदी तो फोर के लिए, पर्पज क्या हो गया, भाई के लिए खरीदी है। द मैच वाज कैंसल डैश द रेन, मैच बारिश के कारण कैंसिल हो, तो किसने हो गया बारिश के कारण, बिकॉज ऑफ रेन मैच कैंसल। आई एम स्टैंडिंग हेयर डैश माई फ्रेंड्स, मैं यहाँ खड़ा हूँ अपने दोस्तों के लिए, ऑन बिहाफ ऑफ, What is that CD for? यह CD किसकी है? तो it is dash my, it is for my exam. Purpose क्या होगा CD का? मेरे exam के लिए है। Drashti is very popular. Dash her friends. तो in her friends तो आएगा नहीं, among her friends. Drashti अपने मित्रों के बीच में सहने लगे बहुत प्रसिद्ध है। My brother is sitting Ritu and Ram between. यहाँ पर अमंग और बिटवीन में बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। बिटवीन यूज होता है ओनली फॉर टूज एंड अमंग मोर देन टूज। तो आई होप ऑल पार्ट्स आर क्लियर टू यू नाउ प्रपोजिशन। नेक्स्ट वीडियो में हम जो डाउट होंगे आपके वो क्लियर कर लेंगे। थैंक यू।